आलू उजागा कोई खेत का गाजर मूली नहीं है, जो जो चाहे उसको उखाड़ कर फेंक दे। लालू प्रसाद तो मूंज का आधार है, उसमें आग लगाने से और पनपेगा। हे सुशासन बाबू, गजबे राज किए हो बिहार माँ, मोदी जी से खुला खेल सीखे हो। अपराध जोरदार है, घोटालों की बहार है, बहनिया हुई असुरक्षित, शिक्षा का कोई ठौर नहीं, नौजवान बेरोजगार है। मोदी नीतीश बात करते रहे अगर राज, तो समझो भविष्य अंधकार है। आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। कोविड ने क्या करा? कहा 22 दिन में कोविड के खिलाफ लड़ाई जीती जाएगी। हो गए 22 दिन, जीत गए लड़ाई। अगर 22 दिन में लड़ाई जीती गई तो ये मास्क क्यों पहने सब लोग? अपना चेहरा क्यों कुछ छुपा रहे? कोविड आता है, लाखों मजदूर भूखे प्यासे घर जाते हैं। मजदूरों ने मुझे कहा अगर ये 3-4 दिन रुक जाते हमें बता देते, हम आसानी से घर पहुंच जाते। बिना पूछे इन्होंने सब कुछ बंद कर दिया, हमें खत्म कर दिया, मार दिया, जान से मार दिया। हमने उनसे कहा इनकी मदद कीजिए, बसों में ट्रेन में इनको घर भेजिए, दबाव डाला हमने, कुछ नहीं, एक शब्द नहीं। एक बेटा है, दिल्ली जाता है काम करने के लिए। जब ट्रेन पकड़ने के लिए घर से निकलता है ना, तब से ही मेरा दिल धक धक करने लगता है। मैं तो समझाती हूँ, बेटा मत जा। वो कहता है माँ यही रहूंगा तो खाएंगे क्या। अब मैं उसे कैसे बताऊं कि जब वो चला जाता है तो भी कहाँ खा पाती हूँ। वो याद है ना दिल्ली वाली फैक्ट्री जिसमें मजदूर जल के मरे थे। रातों को नींद नहीं आई, जब फोन पे बात हो गई तब कहीं जाके तसल्ली हुई कि मेरा बच्चा बच गया। पर मरने वाले भी तो किसी के बच्चे होंगे, उनको तसल्ली कैसे हो। 15 साल हो गए इस सरकार ने एक रोजगार तक नहीं दिया। इतना भी नहीं हुआ कि हम अपने बच्चों के साथ 2 वक्त की रोटी खा पाते। पर वोट की चिंता आज भी है। पर अब मैं एक नहीं सुनूंगी, बहुत हो चुकी पुरानी बातें, अब नया देखेंगे। अब इनके वश में कुछ नहीं है। हाँ, तेजस्वी है होनहार, अब वही संभालेगा बिहार। पलायन के दंश से बिहार को मुक्ति दिलाते हैं, चलो इस बार तेजस्वी को लाते हैं। अगर आप इसी प्रकार का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करते जाए। आपको यह पता होगा कि कैसे इस कोरोना महामारी में बिहार सरकार द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा जो बिहारी जो कामकाज करने वाले व्यक्ति जो बाहर रहते थे उन्हें किस तरह से परेशान किया गया है और लगातार उन्हें मजबूर किया है कि हम बिहार में आपको आने नहीं देंगे। वो सारे मजदूर, प्रवासी मजदूर इस बार बिहार विधानसभा के चुनाव में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी को मजा चखाने के लिए सड़कों पर उतर चुके हैं और तेजस्वी की रैली में जो भीड़ आपको दिख रहा है वह उसी का नतीजा है। तो इस प्रकार आपको लग रहा है कि क्या
तेजस्वी यादव इस बार जीत रहे हैं, तो हाँ इस भीड़ को देखकर तो यही लग रहा है कि इस बार तेजस्वी यादव सत्ता में जरूर आ जाएंगे। और देखना दिलचस्प होगा कि क्या नीतीश कुमार कोई कारनामा कर पाते हैं या मोदी जी के द्वारा कोई कारनामा होता है। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर चिराग पासवान को लेकर आ रही है कि चिराग पासवान लगातार जो दावा कर रहे हैं कि इस बार जो मुख्यमंत्री होगा वह बीजेपी और LJP का मिलकर बनेगा, तो यह सबसे बड़ी बात यहाँ पर दिलचस्प होगी कि इस बार का मुख्यमंत्री कैंडिडेट कौन होगा। अगर इसी प्रकार का आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। तो जिस प्रकार से तेजस्वी यादव का रैली में भीड़ जुट रही है उससे देखने से यही पता चलता है कि 10 नवंबर का जो दिन होगा वह तेजस्वी के लिए सबसे बड़ा दिन होगा और पहली बार वह मुख्यमंत्री का शपथ भी लेने के लिए इसी दिन का वो इंतजार कर रहे होंगे। अगर इस प्रकार जिस प्रकार से उनकी सभा में भीड़ जुट रही है अगर इस प्रकार का नतीजा में तब्दील हो पाता है तो जरूर ही मुख्यमंत्री बनेंगे। अगर आप इस प्रकार का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे न्यूज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जाओ, कोई खेत का गाजर मूली नहीं है, जो जो चाहे उसको उठा कर फेंक दे। लालू प्रसाद तो मूंग का झाड़ है, उसमें आग लगाने से और पनपेगा।